हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर 2 के बारे में। तो मिर्ज़ापुर 2 का ट्रेलर आउट हो चुका है, अगर आपको वो पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाती के बारे में। तो कैरी मिनाती अपने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले जट ब्रकचोद के बारे में। तो वो कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो उसी के बारे में बताते हुए एक वीडियो अपलोड किया है, तभी देखिए उस वीडियो का एक छोटा सा वीडियो। भी हम आपको बताने आए हैं। मेन तो हम पिछले 15-16 दिन से कहाँ गायब थे। काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट, काफ़ी सारी ईमेल्स कि भाई कहाँ गायब हो, कोई वीडियो नहीं डाल रहे, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डाल रहे। मतलब हम बिल्कुल सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत चला रहा था, यूट्यूब थोड़ा बहुत वीडियोस देख रहा था, लेकिन कुछ अपलोड नहीं कर रहे थे। मतलब बिल्कुल गायब ही थे एक तरह से। तो ये अराउंड 20 तारीख की बात है। 20 तारीख को शाम को ना मेरे को लगा मेरी तबीयत हल्की हल्की खराब हो रही है। 20 को या 21 को? 20 को 20 को आप हल्का लगा था, 21 21 को ज्यादा को लग भी रहा नहीं था थे। कि हाँ, हाँ 21 को तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई फीवर चढ़ गया है। तो मैंने पहले बता दूं आपको कि मेरा कोविड पॉजिटिव आया था। पूरी फैमिली में सिर्फ मेरा ही पॉजिटिव आया था। ये भी बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है कि इतनी बड़ी फैमिली मेरा के साथ नहीं मैं रहता हूँ। आया, हाँ, ये मेरे साथ रहती है, मैं इसका नहीं 4 दिन आया, साथ थी बट मेरा नहीं इसका आया। नहीं आया। मतलब जब मेरे को सिम्टम्स आने शुरू हुए थे ना, तो उसके बाद भी ये 3 दिन मेरे साथ थी, लेकिन इसका नेगेटिव आया, मेरा पॉजिटिव आया। ये 21 तारीख शाम की बात है। मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरे को बीस फीवर की 20 को तो हल्का हल्का लगना शुरू हुआ हाँ मॉम के बर्थडे वाले दिन, और 21 तारीख को फिर मेरे को शाम को ऐसा लग रहा था, फ्रेंड का फोन आया कहीं काम से जाने में, भाई मेरे से नहीं जाया जाएगा, तबीयत खराब लग रही है, चलो ठीक है। 22 तारीख को मेरे को सिम्टम्स आने शुरू हो गए, मेरी स्मेलिंग पावर गायब हो गई। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी स्मेलिंग पावर गायब हो गई है, तो अभी मैं अलग रहता हूँ, आप अलग हो जाओ। मम्मी कह रही नहीं नहीं पागल है। मतलब मम्मी कैसे कह रही थी कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें मत करो। फिर इसने भी कहा हमें सिम्टम्स आ रहे हाँ हैं, मेरी कि ज्वाइंट पेन हो रही थी और इसको बिल्कुल, फीवर हो रहा था। तो मम्मी कह रही चलो डिनर करने आ जाओ। तो इसने भी मम्मी को कहा कि हम नहीं आते, इसके भी ज्वाइंट पेन हो रहे थे। इसने भी मम्मी को कहा कि मेरे ज्वाइंट वगैरह पेन हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है शायद कोरोना ना हो गया, वो वाले सिम्टम्स आ रहे। मम्मी ने कहा अरे नहीं नहीं टेंशन ना लो, ऐसी बातें भी मत करो, आ जाओ तुम, ठीक है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम गए वहां पर, हमने डिनर वगैरह करा 21 की रात को। 22 तारीख को मेरे को ना बिल्कुल भी स्मेल ही आनी बंद हो गई। मतलब जब मैं नहा रहा था ना, साबुन सुबुन की कोई खुशबू नहीं आ रही। मैंने इसको बताया, इसको तो मतलब 99% बाईस श्योर तारीख हो को मैं गया। उठी नहीं थी क्योंकि हाँ, मेरी बाईस तबीयत तारीख को ज्यादा इसकी भी खराब हो तबीयत गई। हाँ खराब, और मेरे को तो स्मेलिंग पावर गायब, और हमने जो सिम्टम्स पड़े थे उसमें यही था कि स्मेलिंग पावर गायब हो जाओ, समझ लो आपको कोरोना है। अब हमें दोनों को लगे कि भाई पॉजिटिव है, हमने 22 तारीख को घर पे बोल दिया अब वहां नहीं आने वाले, हमें कोरोना लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला एक दिन और देखते हैं, वायरल भी चल रहा है, हो सकता है कल तक ठीक हो जाए। हमने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली। 23 तारीख को हम ठीक नहीं हुए, इसके भी ज्वाइंट वगैरह पेन थे, मैं भी बीमार। 23 तारीख को हम गए टेस्ट करवाने के लिए, और 24 को रिजल्ट आया, मेरा पॉजिटिव आया, इसका नेगेटिव। भाई साहब पहले तो इतना हैरान कि मतलब ये हो कैसे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसकी भी तबीयत खराब थी। अब करे तो करे क्या, अब इसका नेगेटिव आ गया, फैमिली के साथ भी नहीं भेज सकते, बिकॉज 3 दिन से मेरे साथ थी, हो सकता है अभी नेगेटिव आया, दो टेस्ट तीन दिन करवाने बाद। के एक हाँ दिन बाद मैं प्रभजोत के साथ ही थी बट हम। तो अगर आपको इनका वीडियो पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो अगली न्यूज़ निकल के आती है अमित बराना की तरफ से। तो अपने वीडियो का एक छोटा सा टीजर अपलोड किया है, तो आप भी देखिए वो। हेलो, 1 2 3 माइक चेक। ये जो सिल्ली सिल्ली ओंदी है आवा पड़ोसियों के लोंडा होवेगा, पड़ोसियों के लोंडा होवेगा। तो हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो अपने न्यू सॉन्ग का अपडेट देते हुए कुछ वीडियो डाले हैं, तो आप भी देखिए वो क्या बोले। ये गाना एक बड़े सेलिब्रिटी ने एक गाना बनाया, मुंबई में काबा, प्यारी लैंग्वेज है अपनी, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और काफी मेरे दोस्त भी है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक गाना बनाया कि मुंबई में काबा। मुंबई में काबा का मतलब ये होता है कि मुंबई में क्या है, ऐसे कुछ उन्होंने गाना बनाया। तो उसके लिए मैंने ये गाने का, उनके गाने का रिप्लाई दिया है कि मुंबई में क्या है, हमारे मुंबई के लोग कितने कैसे हैं, कितना प्यार करते हैं, बाहर के लोग कोई भी आते हैं उनसे कितना प्यार करते हैं, ये मुंबई कितना प्यार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।